हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा विभिन्न श्रेणियों की 29 सीटों के लिए 23 जनवरी से लिखित परीक्षा शुरू की जा रही है, जिसमें रिजेक्ट अभ्यर्थियों को भी आयोजन ने मौका दिया है। रिजेक्ट हुए अधिकतर आवेदनों में फीस संबंधी जानकारी अपडेट नहीं हो पाई है, जिसके लिए उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए आयोग कार्यालय में आकर प्रूफ देना होगा। जानकारी के अनुसार सरकारी विभागों में विभिन्न 8 श्रेणियों के पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए 3,962 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि 1,661 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। विभाग ने इस परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन सभी पदों के लिए परीक्षा केंद्र हमीरपुर में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार ये परीक्षाएं 23 से 29 जनवरी तक आयोजित की जा रही हैं। संख्यांकी सहायक पोस्ट कोड 225 की 3 सीटों के लिए 23 जनवरी को सुबह के सत्र में परीक्षा होगी। उसके लिए 654 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि 124 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। वहीं असिस्टेंट केमिस्ट की 1 सीट के लिए इसी दिन शाम के सत्र में परीक्षा होगी, जिसके लिए 92 अभ्यर्थी चयनित व 26 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। जूनियर अकाउंटेंट की 6 की सीटों के लिए 24 जनवरी को सुबह के सत्र में परीक्षा होगी, जिसके लिए 475 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं तथा 180 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। वहीं इसी दिन शाम के सत्र में अकाउंटेंट की 3 सीटों के लिए परीक्षा होगी, जिसके लिए 905 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि 350 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। 27 जनवरी को सुबह मार्केटिंग की 2 सीटों के लिए होने वाली परीक्षा के लिए 104 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि 33 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। वहीं इस दिन शाम के सत्र में मार्केटिंग असिस्टेंट की 7 सीटों के लिए होने वाली परीक्षा के लिए 778 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि 138 अभ्यर्थी रिजेक्ट हुए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 सीटों के लिए 29 जनवरी को सुबह के सत्र में होने वाली परीक्षा के लिए 651 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि 231 अभ्यर्थी रिजेक्ट हुए हैं। इसी दिन शाम के सत्र में होने वाली सेल्समैन की 3 सीटों के लिए होने वाली परीक्षा में 303 अभ्यर्थी बैठेंगे, जबकि 70 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं।